अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सुंदर और हरा भरा बनाना तो यह खबर आपके लिए बेहतर है। जी हाँ, मनी प्लांट जो न केवल घर को सजाने संवारने का अच्छा साधन होता है बल्कि देखने वालों को आकर्षित और सुकून दे जाता है। इसको सालों साल हरा भरा और विकसित करने के लिए अब बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी साधारण उपाय है जो घर को कूड़े से निजात दिलाने के साथ ही इसके लिए संजीवनी साबित होगी। आइए जानते हैं इसको लेकर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया। और यहाँ पर लगभग 19-20 सालों से कृषि की शिक्षा, उसके अनुसंधान और किसानों और जो जरूरी संबंधित लोग हैं उनके लिए तकनीकियों के हस्तांतरण पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि मनी प्लांट एक पत्तीदार या ये कह सकते हैं कि सदाबहार उगने वाला, एक रेंग कर चलने वाला क्लाइंबर पौधा है और ये 12 महीने हरा भरा रहता है। और इसका हरा भरा सभी के आँखों को अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अपने बरामदे में, अपने बालकनी में लोग इसको लगाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व, उर्वरक और खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि वो हमेशा हरा भरा बना रहे। और हरा भरा बना रहे तो लतर को मजबूत बनाए रखने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो ये है कि ऐसी मिट्टी का चयन करें गमले में, या ऐसी मिट्टी गमले में भरें जिसमें कि नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाश की मात्रा पर्याप्त हो। शहरी क्षेत्रों में इसको ज़्यादा लगाया जाता है और ज़्यादा ये दिखता भी है। इसमें सबसे आवश्यक ये है कि गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो गमले में कोशिश करें कि जो गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद को प्रयोग में ले आएँ। और अगर ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो घर से जो साग सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन छिलकों से भी बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है। आप अपने घर में ही 6 दिन के लिए 6 छोटे-छोटे बाल्टी साइज के कंटेनर ले लें, या फिर जो पुरानी बाल्टी हो उसको इकट्ठा कर लें प्लास्टिक के, और उनमें प्रतिदिन के छिलके रखते जाएं और छिलके के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भुरभुरा दें। फिर इसके बाद दूसरे दिन के ऊपर दूसरी मिट्टी भुरभुरा दें। ऐसे 6 दिन तक करते जाएं और उसमें नमी बनाए रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो नीचे वाला हिस्सा 6वें दिन वो सड़ना शुरू हो जाता है, और फिर जो है अगला 6वां दिन आता, फिर आप घर का छिलका सब्जियों का उसमें रखें, फिर मिट्टी भुरभुरा दें। तो ऐसे आपको करीब 50-60 दिन में बढ़िया खाद तैयार हो जाती है, और वो आप मनी प्लांट ही नहीं और भी किसी फूल वाले पौधे में इसको इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। तो ये तो घर के छिलके का एक तरह से निस्तारण भी हो गया, जो कूड़े का एक हिस्सा बनता है, और दूसरे आपके घर पे तैयार होने वाले जो फूल पौधे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुणवत्ता की खाद बन जाती है। बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई मिलावट उसमें नहीं होगा। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।